इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर फ्रैंकलिन को घेर दिया और भाई साहब उसके बॉडी के जितने भी टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो चुके। तो गाइस साहब फ्रैंकलिन को बिल्डिंग से क्यों घेरा और उसके बॉडी पार्ट कैप्सूल के अंदर क्यों रखे हैं तड़पाने के लिए फ्रैंकलिन को? तो गाइस साहब मेरे पास पुलिस लग चुकी है मेरे पीछे और ये कह रही है कि भाई साहब डायमंड निकाल यार, मैंने आपके कौन से डायमंड दे रखे हैं भाई? मेरे पास कोई डायमंड नहीं दिया यार, मेरा पीछा मत करो यार, मैंने कुछ नहीं किया यार, मैं चोर नहीं हूँ यार। यार अंकल तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? भाई साहब मेरे को आप छिपना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास नहीं करेगा। इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता हूँ, सारी जगह पुलिस आ चुकी है दोस्तों। यार जल्दी से मैं इसकी बिल्डिंग के अंदर गेट खोलता हूँ और अंदर बढ़ जाता हूँ। भाई अंदर बढ़ते हैं भाई साहब। और यार ये पुलिस वाला ऊपर कैसे आएगा? भाई सर मैंने कुछ भी नहीं किया गाइस, मैंने आपके डायमंड कुछ नहीं लिए दोस्त। भाई जो भी भाई, मैंने आपके डायमंड का हाथ में लगाया यार, मैंने चोरी नहीं किया यार, कृपया मेरा विश्वास करो यार दोस्त। भाई जो भी भाई अंकल मेरा विश्वास करो यार। ओ भाई साहब इसने फिर भी घेर दिया यार। ओ भाई ये मेरे साथ क्या हो गया यार, किसने मेरे साथ ये जानबूझकर कर दिया भाई? मेरे क्या हो गया भाई, मैं मरने वाला हूँ क्या भाई? ओ भाई साहब बड़ा दर्द हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ? ओ भाई अब मैं शायद मरने वाला हूँ भाई। ओ भाई ये भाई मरने वाला हूँ शायद मैं अभी। ओ भाई क्या हो गया भाई, मर गया भाई सब मेरी सांस। तो भाई साहब आपने देख लिया फ्रैंकलिन के साथ क्या हुआ, और भाई साहब इस पुलिस वाले ने अपने कारनामों को छिपाने के लिए एक बेगुनाह की जान ले ली है फ्रैंकलिन की। तो गाइस साहब तो आज काफी दिन हो चुके हैं फ्रैंकलिन को मरे हुए। तो गाइस साहब उसका जो भाई है वो आ चुका है उसको ढूंढने के लिए, जो फ्रैंकलिन का भाई है बिंटू। बिंटू अंदर घर के अंदर देखता है भाई साहब क्या फ्रैंकलिन कहाँ? फ्रैंकलिन तेरा बिंटू भाई आ चुका है यार, फ्रैंकलिन कहाँ पर हो? जिम में भी नहीं है यार, पिछली बार तो जिम में ही था जब मैं आया था। अरे यार फ्रैंकलिन तेरा भाई बिंटू आ चुका है यार, क्या कहाँ पर है यार, कहाँ पर गया यार फ्रैंकलिन? मेरे को तो दिख नहीं रहा कहीं पर भी वो भाई, कहाँ पर है ये फ्रैंकलिन? फ्रैंकलिन को फ़ोन कर लिया भाई साहब, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा भाई, क्या हो रहा है भाई? तो गाइस पास ही में उसका पुलिस स्टेशन है भाई साहब, यहाँ पर एरिया में उसको वहाँ पर रिपोर्ट लिखाते हैं भाई, उनसे पूछते हैं, उनको तो पता ही होगा यार फ्रैंकलिन साथ में तो रहता है यहाँ पर। तो गाइस इनसे पूछ लेते हैं जो हमारे फ्रैंकलिन है भाई साहब मेरा भाई, वो कहाँ पर चला गया भाई साहब? कई दिनों से दिख ही नहीं रहा भाई साहब, उसका फ़ोन भी नहीं आ रहा भाई साहब, कई दिनों से फ़ोन भी लग रहा। तो इनसे पूछ लेते हैं भाई क्या क्या ही मामला है भाई साहब। अंकल वो जो आपके साइड में रखता है फ्रैंकलिन भाई साहब, उसको भाई साहब इन्होंने मेरी बात भी सुने भाई, मेरे को गोलियां मार रहे हैं भाई, क्या यार मैंने कुछ किया भी नहीं भाई, मैंने तो अपनी पूरी बात भी नहीं कही, इन्होंने गोली मारना स्टार्ट कर दिया यार, क्या ही करा भाई? ये पुलिस वाले फ्रैंकलिन के पीछे क्यों लगे हुए हैं भाई? ओ भाई 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 भाई, 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 भाई इतना मार रहे भाई ये, मेरे को यहाँ से निकलने इतनी देर में इन्होंने काफ़ी मुक्के मार दिए भाई, और मेरे काफ़ी HP लॉस कर दी भाई इन्होंने। तो भाई साहब विकास के मतलब अमित के घर चलते हैं भाई साहब, उसको पता होगा क्या फ्रैंकलिन कहाँ पर है भाई साहब। तो बच के चलते हैं भाई साहब पुलिस वालों से, तो भाई साहब बच लेते हैं उनसे। ओ भाई साहब ये क्या ही कर रहे भाई, ये पुलिस वाले मेरे पीछे लग चुके हैं भाई, यह करना क्या चाहता भाई साहब? यहाँ से मेरे को छिपना पड़ेगा भाई इस गेट के पीछे। ओ भाई साहब इसके पास स्पेस है भाई, यहाँ से लुक जाता हूँ। सो होप गाइस साहब पुलिस वाले तो सब चले गए हैं, बट गाइस साहब विकास मेरे को अभी तक नहीं दिखा भाई साहब। जी हाँ दोस्तों मैं उसको विकास ही बुलाता हूँ, बट उसका नाम अमित है भाई। भाई साहब वो मेरे बचपन का मित्र था भाई साहब, फ्रैंकलिन का भी दोस्त है काफ़ी अच्छा। तो गाइस साहब मुझे उसका फ्रैंकलिन का फ़ोन मिल चुका है यहाँ पर भाई साहब, क्या ही हो रहा भाई? और फ्रैंकलिन के फ़ोन में वीडियो मिले जैसे कि मैं चला रहा हूँ भाई साहब, क्या ही कर रखा भाई। ओ भाई साहब यार भाई क्या हो गया भाई तेरे को भाई साहब? जी हाँ ओ भाई साहब इसके जो फ्रैंकलिन के पार्ट है बॉडी पार्ट उसको कैप्सूल के अंदर रख रखा है भाई साहब तड़पाने के लिए भाई साहब, ताकि मरे ना बस सिर्फ तड़पे। ओ भाई साहब फ्रैंकलिन का हेड भाई साहब मेरे को अब बचाना पड़ेगा भाई अपने भाई को यार, क्योंकि यार मैं अपने भाई को ऐसे नहीं दे सकता भाई साहब, उसके बॉडी पार्ट को मेरे को कलेक्ट करने पड़ेंगे भाई साहब। तो भाई साहब उसके बॉडी पार्ट को जो है भाई कलेक्ट कर लेंगे और भाई साहब अपने भाई को बचा लेंगे। तो भाई मैंने यहाँ पर ही देखा था भाई, इन वेयर हाउस के अंदर ही मेरे ख्याल से यहाँ पर ही था भाई साहब, कौन सा हाउस था मेरे ख्याल से मैं याद नहीं आ रहा यार कौन सा हाउस था। ओ ये शायद ये तो नहीं था भाई, हाँ शायद मेरे को ये लगता है यही था भाई। ओ भाई साहब ये मेरे को लग रहा है यही था। ओ हाँ भाई यही है भाई। तो भाई इसके अंदर जाने का तरीका देखते हैं भाई, क्या ये चारों साइड से लोग है भाई, क्या कैसे खोलेगा नहीं क्या यार ये? खोल के देख ले भाई, खुल नहीं रहा यार पीछे से, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं भाई साहब, गाड़ी रोक ठोक के रखते हैं भाई साहब, क्या पता खुल भी जाए। ए ला भाई ए भाई ओ भाई साहब काफ़ी मजबूत दरवाज़ा भाई, ये शटर काफ़ी मजबूत है। चलो भाई साहब एक बार और ठोक के देख लेते हैं भाई, खुल ही जाए।
ओ भाई साहब, ये भाई साहब क्या ही मजबूत दरवाज़ा भाई साहब, ये ऐसे नहीं टूटेगा भाई साहब। मेरे को एक ट्रिक पता लगी भाई साहब, इसको स्टिकी बॉम लगा देते हैं इसकी साइड में, ताकि यार इसके बोनट जितने भी है टूट कर भी खर जाए। ओ भाई साहब, तो इसकी साइड में लगाने पड़ेंगे मेरे को यार बोनट के। ओ भाई साहब, सो मैंने बोनट पर लगा दिया भाई साहब जितने स्टिकी बॉम है, तो एक्टिवेट कर देते हैं इनको सिंपली। भाई साहब एक्टिवेट का टूट गया होगा शायद। ओ भाई साहब, ये टूट क्यों नहीं रहा भाई, ये टूट क्यों नहीं रहा भाई, इतना मजबूत दरवाज़ा। सो गाइस, मेरे को एक फ्रैंकलिन की ट्रिक पता लगी भाई, फ्रैंकलिन कैसे मतलब बिना चाबी के की के कैसे घुसता था गाइस। अब तो फ्रैंकलिन ऐसे कार लगाता था और इसके लिटरली मतलब अंदर ऐसे घुस जाता था गाइस। अब तो गाइस, हम भी अंदर घुस चुके हैं भाई साहब, फ्रैंकलिन अंदर देखते। भाई ये तेरे को क्या हुआ भाई, ये तू अंदर कैप्सूल के अंदर क्या कर रहा है भाई। ओ भाई साहब, भाई अपने भाई को मेरे को आज़ाद करता भाई साहब, यहाँ वायरिंग है थोड़ी सी, मेरे को सेट करनी पड़ेगी यार। ओ भाई साहब, आराम से निकाल लेता हूँ ताकि कभी यार फ्रैंकलिन कुछ हो ना जाए। यार फ्रैंकलिन तेरे को यार क्या कर रहा है भाई साहब। मैंने फ्रैंकलिन को लिक्विड के साथ ही अंदर रख लिया भाई साहब, बोतल के अंदर ही भाई साहब, उसका जो हेड है। तो भाई साहब, उसको जो अदर पार्ट है भाई, वो भी निकालने पड़ेंगे मेरे को, कलेक्ट करने पड़ेंगे यार। क्या मेरे भाई के साथ क्या ही कर दिया इन लोगों ने भाई साहब। अभी तो मेरे को ये भी नहीं पता कि फ्रैंकलिन के साथ, ओ भाई साहब नेक्स्ट क्या है भाई साहब, एनी दूसरा वीडियो है भाई उसके अंदर गई। ओ भाई साहब, उसकी चेस्ट है भाई साहब, तो कैप्सूल के अंदर चेस्ट रखे भाई साहब इस प्लेस के अंदर। तो गाइस, अब मेरे को यहाँ पर जाना पड़ेगा भाई, मेरे को भूल भी चुका हूँ यार ये प्लेस कहाँ पर है। सो हाँ गाइस, मेरे को पता लगे ये शोरूम के ऊपर गाइस। अब ये कैसे मतलब यहाँ पर कैसे चढ़ूंगा भाई। ओ हाँ गाइस, मैं भूल गया कि इसके अंदर चढ़ने का सीढ़ियाँ लगी हुई हैं भाई। ओ भाई, मेरे को अब याद आया यार। दोस्तों जल्दी से अपने भाई के जो चेस्ट है उसको कलेक्ट कर लेते, ताकि गाइस अब अपना भाई जो है वो बच जाए जल्दी से, क्या पता यार वो अभी जिंदा है नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पर आ चुके हैं हमारा, ये शायद यही था ना। ओ भाई साहब, ये कह रहे हैं कि भाई साहब अंदर नहीं जा सकते भाई, यहाँ पर मेरे को जंप करवा के ले जानी पड़ेगी भाई वहाँ पर। ओ भाई साहब, क्या ही करना पड़ेगा भाई मेरे को यार ये। अच्छा मतलब हाँ भाई, मेरे को ये उठा के करना पड़ेगा, वरना यार स्पेस नहीं है यार, चढ़ूँगा कैसे मैं यहाँ पर। सो गाइस, मैं यहाँ से उठा कर यहाँ पर रख देता हूँ इसको, ताकि मैं आसानी से चढ़ जाऊँ। वो भाई साहब, मेरे को सेट करना पड़ेगा यार। वो भाई साहब का क्या मतलब भाई, वो भाई अभी भी नहीं चढ़ पा रहा हूँ यार, क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे करूँगा भाई साहब। ओ भाई साहब, तो यहाँ पर चढ़ गया भाई, भाई अब ऊपर। ओ भाई साहब, चढ़ चुका हूँ भाई साहब, ऊपर तो चढ़ चुका हूँ भाई साहब। ओ ये क्या हो रहा है भाई, भाई साहब फ्रैंकलिन यार, फ्रैंकलिन के साथ भाई साहब मेरे इतना बुरा हुआ है। बिंटू यार ऐसे मत गिर यार, बिंटू आराम से भाई। ये मेरे को इस साथ एक और बॉक्स लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं आसानी से चढ़ सकता हूँ। सो गाइस, मैं स्नाइपर से देख लेता हूँ। ओ भाई साहब, ये रहा बॉक्स, सो काफ़ी ऊपर बॉक्स है गाइस। मेरे को यहाँ से चढ़ा कर वहाँ पर लिखना पड़ेगा यार, ताकि मैं आसानी से चढ़ जाऊँ। भाई साहब, ये क्या ही करना पड़ रहा है भाई साहब। फ्रैंकलिन भाई, तू थोड़ी देर वेट कर भाई, अब मैं अभी आ रहा हूँ यार तेरे पास। सो भाई, यहाँ से चढ़ना पड़ेगा सिंपल भाई साहब, आराम से बिंटू आराम से। अगर तेरा पैर फिसला तो तेरा तेरा नहीं भाई साहब, तेरा भाई भी मर जाएगा यार। बिंटू भाई आराम से यार। वो भाई साहब, मेरे को बिंटू को जो है कंट्रोल बढ़िया बड़ी उससे करना पड़ेगा। ये भी मेरे को वहीं पर लगाना पड़ेगा, ताकि भाई साहब मैं अब आसानी से चढ़ सकूं और भाई अपने भाई को बचा सकूं। सो गाइस, अब ये लग चुका है हमारा लॉकर जो है, अब इसके ऊपर से चढ़ता हूँ यार, क्या पता गाइस साहब ये हो। भाई साहब आराम से बिंटू आराम से यार, अभी तेरा पैर स्लिप हुआ ना तो काम सारा बिगड़ जाएगा। ओ सो होप गाइस साहब, यहाँ पर तो चढ़ चुके हैं, अब मेरे को ऊपर कैसे चढ़ना पड़ेगा यार। सो गाइस साहब, मेरे को लॉन्ग जंप मारनी पड़ेगी या फिर कुछ लगाना पड़ेगा। ओ होप गाइस साहब, ये तो मिल गया यार मेरे को, अब मेरे को ये सीधा इसके ऊपर जंप करवानी पड़ेगी यार। मैं ऐसे तो इसके अंदर नहीं घुस सकता था, बट अब ये मेरे को मिल चुका है, तो इससे सीधा ऊपर जाते हैं और अपनी कार से जाते हैं भाई साहब। ये जो सुपर कार है गाइस साहब, ये भी काफ़ी हेल्प करेगी। सो होप ये गाइस साहब, ये बहुत ज़्यादा। सो गाइस, दोबारा से करते हैं यार, मेरे को अपने भाई को बचाना है यार, मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार दोबारा से। ओ होप गाइस साहब, मैं ऊपर चढ़ जाऊँ यार। ओ हो, बच गया चढ़ गया। अब मेरे को चेस्ट मिल जाएगी यार अपने भाई की। सो होप गाइस साहब, यहाँ से चढ़ना पड़ेगा यार मेरे को। ओ भाई साहब, सो भाई साहब, ओ लो भाई साहब, हो गया काम अपना। अपने भाई की चेस्ट बाहर निकाल लेते हैं लिक्विड के साथ भाई। ओ इसमें भी वायरिंग लॉक लगा रखा है यार इन्होंने, यार क्या कर रखा है भाई मेरे भाई के साथ। ओ भाई साहब, काफ़ी हैवी लॉक लगा रखा है यार, कैसे सिक्योरिटी सिस्टम है भाई साहब। सो भाई साहब, मैंने चेस्ट कैसे भी करके भाई अपनी कार के अंदर रख लिया लॉक लुक हटा के। तो भाई साहब, अब उसके जो लेग्स पार्ट भी मेरे को ढूंढने पड़ेंगे यार, उसके बिना तो ये कुछ कर भी नहीं सकता यार। ये रहा भाई साहब उसका लेग्स पार्ट भाई साहब, ये भी मेरे को ढूंढना पड़ेगा, ये कहाँ पर है यार। मेरे को ये तो ये प्लेस भी याद नहीं आ रही यार, कहाँ पर है भाई साहब। मेरे को काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर आए हुए यार, इसलिए मेरे को कोई भी जगह नहीं पता। वो भाई साहब B99 के बिल्डिंग पर है ये साहब। सो होप गाइस, मेरे को पता चल चुका है B99 की बिल्डिंग पर है, जो भाई साहब हमें स्कोप से भी नहीं दिख रही है यार, इतनी दूर जो है। सो गाइस, अब हमें जो है यहाँ से चढ़कर वहाँ पर जाना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हो यार वहाँ पर भाई साहब।
शायद मेरे को लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी यार। मैं अपनी कार से कर सकता हूँ यार, मेरे को लग तो रहा है मैं अपनी कार से कर सकता हूँ। तो वैसे चलते हैं अपने, स्टार्ट करते हैं अपनी कार को। सो गाइस मेरे को यहाँ से जंप करवानी पड़ेगी, सीधे सीधे लेके जाता हूँ भाई साहब। क्या ही मतलब भाई साहब निशान मतलब ये जो GTR है भाई ये ओ भाई साहब। सो होप गाइस अब बिंटू यार तू स्लिप हो जाता है, अब तेरे को पता है यार। एक तो यार ये जो निशान GTR भाई साहब, जो GTR भाई ये तो आपकी इसकी हवा निकल चुकी है यार यहाँ पर चढ़ते हुए। ओ भाई साहब GTR क्या ही मतलब, देखो भाई यहाँ से कितनी मेरे को यहाँ से लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी वहाँ पर। क्या यार GTR इतनी बड़ी लॉन्ग जंप लगा सकती है, मेरे को तो नहीं लगता यार। मेरे को कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर, कुछ आइडिया देता हूँ। ओ भाई ओ आइडिया आ गया यार, ये जितने भी है मेरे को लग रहे हैं ये जितने भी टैंक है यार मेरे को यहाँ पर लगा देते हैं यार, फिर मेरे को आसानी से हो जाएगा। टैंक लगा दी तो मैंने वैसे मैंने टैंक जो है वैसे अब यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। मैं उनको एक एक करके लगा देता हूँ आगे भाई साहब, ताकि मैं अपनी निशान GTR को आगे उड़ा सकूँ, ताकि यार वहाँ पर जो है मेरी लॉन्ग जंप लग जाए। और भाई साहब जो हमारा फ्रैंकलिन भाई है वो हमारा उसका जो है लेग्स पार्ट हम ले सके। और भाई साहब हम जो है साइंटिस्ट है भाई साहब, जी हाँ दोस्तों मैं साइंटिस्ट हूँ। और भाई साहब मैं उसके जो पार्ट्स को वो लगाने वाला हूँ, क्योंकि यार मैंने अपने रिसर्च से जो है भाई साहब मुकाम हासिल कर लिया कि मैं मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बट गाइस साहब मैं अपने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट अपने भाई के ऊपर ही करूँगा। तो गाइस साहब क्या पता सक्सेसफुल हो जाए या नहीं होए, बट गाइस साहब मैं अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान तान सब मतलब लगा दूंगा। सो होप गाइस साहब मैंने कंटेनरों को साथ में रख कर भाई साहब काफ़ी अच्छा मतलब जुगाड़ लगा लिया है। तो गाइस साहब अपने भाई की जो है लैग्स मैंने को ले लिया भाई साहब, इस पर काफ़ी लोग लगाए हुए यार, मेरे को जल्दी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा हुआ भाई साहब मेरे पास। अगर मैंने अपनी मशीन को स्टार्ट करके जल्दी से जल्दी नहीं किया तो यार फ्रैंकलिन की मर डेथ भी हो सकती है यार, तो इसका सीरियस मैटर भाई साहब। फ्रैंकलिन को यहाँ से जल्दी से अंदर मैंने रख लिया भाई साहब, उसका जो लिक्विड बॉल के अंदर मैंने रख लिया भाई साहब। आराम से जाना पड़ेगा मेरे को काफ़ी भाई साहब, क्योंकि फ्रैंकलिन के अगर पार्ट को ज़्यादा डैमेज आ गया तो भाई साहब उसका जो है ये मतलब जो भाई साहब कोमा में जा सकता है और भाई साहब वो जिंदा नहीं हो सकता आज के लिए। और उसको मेरे को पता भी नहीं लगने का भाई उसको किसने मारा है और क्यों मारा है भाई साहब। तो भाई साहब आराम से यहाँ से लेते हैं, मेरे को शॉर्टकट तरीका भाई साहब यहाँ से लग रहा है ये भाई साहब, मेरे को यहाँ से जंप करवानी पड़ेगी भाई साहब, ताकि शॉर्टकट तरीका भाई। ओ भाई साहब ओ यार क्या पता भाई फ्रैंकलिन के जो है पार्ट्स को डैमेज ना पहुँचे भाई साहब। सो होप गाइस फ्रैंकलिन के पार्ट को काफ़ी डैमेज पहुंच चुका है, तो गाइस मेरे को जल्दी से जल्दी उसको जो है अंदर लेके जाना पड़ेगा अपनी मशीन के अंदर भाई साहब, उसको ठीक करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। एक्सपेरिमेंट करता हूँ भाई साहब। सो गाइस मैंने जो फ्रैंकलिन के पार्ट अपनी मशीन के अंदर लगा दिया, और गाइस इसको केमिकल को मेरे को यहाँ पर रखना पड़ेगा। सो मैग्नेट का पार्ट मैंने सही लगा दिया, तो भाई ये क्या हो रहा भाई। पिंटू यार आराम से लगाए फ्रैंकलिन कभी यार तू कर दे यार। फ्रैंकलिन होश में आ भाई, होश में आओ, उसमें कोमे में जा सके भाई। फ्रैंकलिन होश में आया यार तेरा भाई बिंटू भाई। ओ भाई साहब बच गया भाई, भाई बच गया भाई मेरा फ्रैंकलिन भाई बच गया यार। तू भाई साहब बड़ा खुश हो भाई, मैंने तेरे को बचाया यार। तेरे साथ किसने किया भाई ये मेरे को बता भाई। वो पुलिस वाला है उसने किया भाई मेरे साथ यार, वो पुलिस वाला यार वहाँ पर जाते तो भाई साहब उन्होंने मेरे को बहुत मारा है भाई। तो फ्रैंकलिन जो है भाई जिंदा हो चुका है, वो अपनी फॉर्म के अंदर आ चुका है, वो अब उनसे बदला लगेगा इस GTR से जिसमें भाई साहब उसको खुद बचाया। तो भाई साहब यहाँ से पुलिस स्टेशन के पीछे से मैं आ जाता हूँ और आज मैं पुलिस स्टेशन को पूरे को उड़ा दूंगा यार। इन्होंने मेरे साथ बेवजह इतना भाई साहब इतना कांड करा भाई, ये ला भाई ए ले भाई आसानी से भाई साहब। ये आज मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला भाई, आज मैं पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा दूंगा भाई। इन्होंने मेरे साथ इतना घिनौना काम करा भाई साहब, इस वाले ने तो भाई साहब इस वाले ने तो पर क्या करा मेरे साथ भाई साहब, बिना किसी काम के भाई साहब मेरे को मार दिया भाई इन्होंने। यार मेरे भाई नहीं होता तो यार मेरा क्या होता यार भाई साहब। ये ले भाई साहब तुम नकली पुलिस वाले हो भाई यार, अगर जो सच्चे पुलिस वाले होते भाई साहब वो बिना किसी को कुछ नहीं कहते यार। ओ भाई तुम बड़े मतलब बड़े ख़राब पुलिस वाले भाई, ये करप्शन वाले पुलिस वाले हैं यार। आज मैं इनको किसी को एक को भी छोड़ूंगा यार, आज मैं इन सबको मार कर रहूँगा यार भाई साहब। आज तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टोरी रिलेटेड भाई साहब। तो भाई साहब बाय बाय टाटा सी यू।